today we will review the chapter. Okay? Students, in last video, I explained that little drops of water and little grains of sand together make the mighty ocean and the pleasant land. जो छोटी छोटी पानी की बूंदे होती हैं और जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सुंदर सा एक बड़ा सा ओशियन और एक अच्छी ब्यूटीफुल लैंड को बनाते हैं. ओके, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक अ वर्ल्ड एंड इडल लाइक द हेवन अबव. और जो छोटे छोटे काम होते हैं, अच्छे काम किसके, काइंडनेस के, ह्यूमैनिटी वाले काम, और जो अच्छे प्यार भरे शब्द होते हैं, टुगेदर मेक अ वर्ल्ड ब्यूटीफुल लाइफ इडन इन द हेवन, जो हमारी धरती को इतना सुंदर बना देते हैं जैसे कि आसमान में, स्वर्ग में जो ईडन गार्डन है उसकी तरह सुंदर बना देते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल डू एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 5. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज ऑन पेज नंबर 30. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज विच वर्ड राइम्स विद सैंड. कौन सा वर्ड सैंड से राइम करता है? राइम मींस विच वर्ड इज हैविंग द सेम साउंड एज सैंड. ओके, नाउ द ऑप्शंस आर विंड, लैंड एंड रेन. ओके, अब सैंड जैसी साउंड किसकी है? लैंड. ओके, सो द आंसर इज लैंड. W-O-R-D. Okay? Now, let's start. How many times does the word little occur in the poem? Is poem mein word little word jo hai, kitni baar aaya hai? You will count. Aap count karenge. 1, 2, 3 and 4. 4 times. Okay? The answer is 4. Okay? Now, next one. The poet finds a word to be like the dash above. Now again here is a blank. You will fill the blank. Okay. The poet finds a word to be like the dash above. Poet जो है हमारे संसार को किसकी तरह बनाना चाहता है? उसको किसकी तरह लगता है हमारा संसार? Bird, ocean और heaven. Correct answer is heaven. Okay, so we will write here heaven. Okay, you will fill the blanks also. Now, question number 2, page number 30, true false. Write T for true and F for false statements. Okay, now here are 3 statements. Okay, what we will do? We will read the statement and write here T if the statement is true, and if the statement is false, we will write here F. Okay, now let's start. Snow and fire make the ocean. Snow means barf, fire means aag. Barf or aag dono milkar ocean banate hain, samudra banate hain. Is it right? No, it is wrong. So we will write here F, okay, for false statement. Next one is water and sand make the land. Water or sand dono milkar land banate hain. Is it right? Yes. Water and sand together make the land. Okay. So we will write here T for true statement. Next one is our world does not need kindness.
हमारा जो संसार है उसमें काइंडनेस की जरूरत नहीं है. इज इट राइट? नो, वी नीड काइंडनेस. हमें काइंडनेस की जरूरत है. ओके, सो वी विल राइट हियर एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नाउ हियर आर द आंसर्स. ओके, फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू एंड थर्ड वन इज फॉल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स. स्टूडेंट्स, वी डू क्वेश्चन आंसर्स टू चेक हाउ मच वी हैव लर्न. ओके, बट इन पोएम्स वी डोंट राइट क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक्स. ओके, वी जस्ट डिस्कस देम. दे आर फॉर डिस्कशन ओनली. ओके, ओनली फॉर डिस्कशन. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, वी विल जस्ट डिस्कस, वी विल नॉट राइट द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर वन इज What makes the mighty ocean and the pleasant land? Mighty ocean और जो pleasant land है उसे कौन बनाता है? किसके मिलने से mighty ocean और pleasant land बनते हैं? The answer is little drops of water and little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. छोटी छोटी जो पानी की बूंदे होती हैं और छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं वो मिलकर किसको बनाते हैं? माइटी ओशन को और प्लेजेंट लैंड को. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय ईडन? ईडन क्या होता है? ईडन इज द गार्डन ऑफ गॉड्स इन द हेवन. ईडन भगवान का गार्डन होता है. कहां पर? स्वर्ग में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ हेवन लाइक? हेवन क्या होता है? हेवन इज अ प्लेस वेयर एवरीवन लव्स ईच अदर एंड लिव्स हैप्पीली. ओके, हेवन एक ऐसी जगह होती है जहां पर सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं. ओके, नाउ थर्ड वन. व्हाट डज द ऑथर इंटेंड फॉर द वर्ल्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में ऑथर संसार को कैसा बनाना चाहते हैं? द ऑथर इंटेंड्स फॉर द वर्ल्ड इन दिस पोएम लाइक अ हेवन. इस पोएम में ऑथर संसार को हेवन की तरह बनाना चाहते हैं. ओके, वो चाहते हैं कि हमारा जो संसार है वो भी हेवन की तरह सुंदर हो. ओके, जहां सब खुशी खुशी रह सके. ओके, नाउ क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर टू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ दीज आर द लाइंस फ्रॉम द पोएम. ओके, मेक अ वर्ल्ड इन ईडन लाइक द हेवन अबव. पोएट्रेस क्या चाहती है? कि जो हमारा संसार है वो ईडन गार्डन की तरह सुंदर बने. कैसा ईडन गार्डन? कहां पर है वो? स्वर्ग में. कहां पर? ऊपर. ओके, अबव. अबव मींस ऊपर. नाउ क्वेश्चन नंबर वन. नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. इस पोएम के पोएट का क्या नेम है? आई टोल्ड यू, जूलिया ए काने. ओके, नाउ सेकेंड वन. राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड अबव. अबव, अबव जो वर्ड है उसके अपोजिट वर्ड को लिखना है हमें. यू नो, आपको पता है अबव मीन्स ऊपर एंड अपोजिट ऑफ अबव इज बिलो. बिलो मीन्स नीचे. ओके, सो बिलो इज द आंसर. ओके, नाउ पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, मैजिक ई. अब हम ई लेटर का जादू देखेंगे. ओके, By adding E at the end of many words, the meaning of the word changes. बहुत सारे ऐसे words होते हैं जिनके end में अगर हम E letter को add करते हैं तो उनका जो meaning होता है वो change हो जाता है. Okay? The sound of the word also changes. और उस word की जो sound होती है वो भी change हो जाती है. Okay? For example, H-A-T, hat. Okay? Now the word is hat. We will add E. जब हम E add करेंगे, the word will be hate. H-A-T-E. Okay? अब देखिए, sound भी change हो गई और meaning भी. Hate means नफरत करना. Okay? Now see students. Here are some words. See? ये देखिए कुछ words ये हुए हैं. What we will do? We will add E letter at the end of these words. हम ई लेटर को इन वर्ड्स के एंड में ऐड करेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल रीड देम. और उसके बाद हम उन्हें रीड भी करेंगे. ओके,
फर्स्ट वर्ड इज पी ए एन पेन, पेन है ओके. व्हेन वी विल ऐड ई देन द वर्ड विल बी पेन, पेन, पेन मीन्स विंडो पेन ओके. विंडो का ग्लास देखा ना आपने. नेक्स्ट वर्ड इज किट, के आई टी किट. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी काइट, काइट, काइट मीन्स पतंग. नेक्स्ट वर्ड इज रिप, आर आई पी रिप. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी राइप, राइप, राइप मीन्स पका हुआ ओके. नेक्स्ट वर्ड इज फिन, एफ आई एन फिन. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी फाइन, फाइन, फाइन मीन्स ओके, अच्छा ओके, अच्छा. नेक्स्ट वर्ड इज टी यू बी टब, टब मीन्स पता है ना आपको. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी ट्यूब, वर्ड विल बी ट्यूब. एंड द मीनिंग ऑफ ट्यूब इज आपने देखा है ना ट्यूब, आपके घर में ट्यूबलाइट होती है या फिर आप वाटर देते हो प्लांट्स को ओके. तब आप वाटर ट्यूब यूज करते हो ना, उसे हम बोलते हैं ट्यूब ओके. नेक्स्ट वर्ड इज टैप, टी ए पी टैप. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी टेप, वर्ड विल बी टेप ओके. एंड द मीनिंग ऑफ टेप इज आपको मालूम है, आपने देखी है, आप किसी भी चीज को जोड़ने के लिए यूज करते हो, करते हो ना. जब आपकी नोटबुक के, बुक के पेजेस टियर हो जाते हैं तब भी आप जोड़ने के लिए यूज करते हो ना टेप को, उसे बोलते हैं टेप ओके. नेक्स्ट वर्ड इज पी एल ए एन, प्लान ओके. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी प्लेन, द वर्ड विल बी प्लेन, एरोप्लेन, आपने देखा ही है सबने ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एन ओ टी, नॉट ओके. व्हेन वी विल ऐड ई द वर्ड विल बी नॉट, नॉट, नॉट मीन्स जो आप स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखते हैं कुछ भी ओके, स्पेशल नोट लिखते हैं. एज यू राइट पीटीएम नोट इन योर डायरीज, आप लिखते हैं ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग का नोट अपनी डायरी में, स्पेशल इंफॉर्मेशन, उसे क्या बोलेंगे, नोट ओके. नाउ क्लियर, नाउ सी हियर आर आंसर्स, पेन, काइट, राइप, फाइन, ट्यूब, टेप, प्लेन एंड नोट ओके. नाउ क्लियर, नाउ पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. नाउ हियर आर सम वर्ड्स ओके, हियर आर मीनिंग्स ऑफ दीज गिवन वर्ड्स ओके. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज माइटी, माइटी मीन्स बहुत ज्यादा पावरफुल, बड़ा, ह्यूज, विशाल ओके, स्ट्रांग जो होता है ओके. सो वी विल मैच माइटी विद स्ट्रांग ओके. नेक्स्ट वन इज प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स अच्छा, सुंदर, जो अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे ओके, जिसे देखकर खुशी मिले. वी विल मैच प्लेजेंट विद प्लीजिंग, प्लीजिंग मीन्स अच्छा, जो सुंदर लगे, जिसे देख के मन खुश हो ओके. थर्ड वर्ड इज डीड, डीड मीन्स वर्क, एक्शन. सो वी विल मैच डीड विद वर्क ओके. नाउ काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता, अच्छाई. सो वी विल मैच काइंडनेस विद गुडनेस ओके, अच्छाई, गुडनेस मीन्स अच्छाई. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स शब्द ओके, जो हम बोलते हैं. वी विल मैच वर्ड्स विद स्पीच, स्पीच मीन्स जो हम बोलते हैं ओके, उसे क्या बोलते हैं, स्पीच. सो वी विल मैच वर्ड्स विद स्पीच ओके. नाउ हियर आर आंसर्स, अब ये देखिए, लुक हियर, हमने वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच किया है ओके. माइटी विद स्ट्रांग, प्लेजेंट विद प्लीजिंग, डीड विद वर्क, काइंडनेस विद गुडनेस एंड वर्ड्स विद स्पीच ओके. नाउ क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स योर एडवाइजरी वर्क इज डू दिस वर्क इन योर बुक्स
ओके आप बिल्कुल नीट हैंडराइटिंग में इस बुक वर्क को करेंगे. ओके नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 33 फन जोन कॉर्नर. ओके पेंट व्हेन इट रेन्स. पेंटिंग करें कब? जब बारिश होती है. ओके कैन यू पेंट विदाउट अ ब्रश? क्या आप बिना ब्रश के पेंटिंग कर सकते हैं? यस यू कैन. हाँ आप कर सकते हैं. हाउ? फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पेंट विद द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप्स. स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट टू पेंट विद द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप्स यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. ओके दीज स्टेप्स. नाउ लेट्स सी. टेक अ फ्यू लम्स ऑफ ड्राई पोस्टर कलर्स. सबसे पहले आप क्या करेंगे? ड्राई पोस्टर कलर्स को लेंगे, उनके कुछ लम्स को लेंगे. लम्स मीन्स सॉलिड, सॉलिड पार्ट जो होता है. ओके जो सॉलिड शेप्स होती हैं, स्क्वायर शेप में भी होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं कलर्स. ओके आप ड्राई पोस्टर कलर्स लेंगे. आप कोई और कलर्स भी ले सकते हैं जो ड्राई हों. ओके ब्रेक द लम्स इंटू स्मॉल पीसेस. फिर उन लम्स को, वो जो सॉलिड पार्ट है कलर्स का, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, स्मॉल पीसेस में, और पाउडर, और या फिर आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं. एंड प्लेस देम ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर. और फिर उनको एक प्लेन शीट के ऊपर, पेपर की प्लेन शीट के ऊपर रखेंगे. ओके आप हैंड्स के साथ उस पाउडर को स्प्रिंकल भी कर सकते हैं. ओके एंड कीप द पेपर इन अ ट्रे. और फिर उसके बाद एक ट्रे लेंगे और पेपर को उसमें रखेंगे. व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश हो रही होगी, प्लेस द ट्रे इन द ओपन. फिर ट्रे को ओपन, बाहर बारिश में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए. ओके और उसके बाद वहां से उसे उठा लेंगे. एंड आफ्टर दैट यू विल ड्राई योर रेन पेंटिंग. और उसके बाद अपनी रेन पेंटिंग को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे. देन योर रेन पेंटिंग इज रेडी. ओके थोड़ी देर के बाद ही आपकी रेन पेंटिंग रेडी हो जाएगी. ओके नाउ सी देयर इज अ स्पेशल नोट फॉर यू. इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर द रेन, अगर आप बारिश का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो स्प्रिंकल वॉटर फ्रॉम अबव फॉर अ सिमिलर रिजल्ट. तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं एक बाउल में और हैंड्स के साथ पानी को उस जो पाउडर या जो स्मॉल पीसेज आपने पेपर के ऊपर रखे हैं ना, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं. ओके यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट. तो आपको वैसे ही पेंटिंग मिल जाएगी. ओके नाउ लेट्स सी वी विल डू एक्टिविटी. नाउ स्टूडेंट्स सी दीज आर वाटर कलर्स. ये देखिए वाटर कलर्स हैं, ये अभी ड्राई हैं. ओके राउंड शेप में. यू कैन टेक एनी पोस्टर कलर्स ऑल्सो. कोई भी ड्राई कलर्स आप ले सकते हैं. ओके आई हैव टेकन ग्रीन कलर फ्रॉम हेयर एंड पिंक कलर फ्रॉम हेयर. अब ये देखिए मैंने पिंक कलर का पाउडर बनाया है, इसको ग्राइंड करके यहाँ पे ग्रीन कलर का पाउडर बनाया है. ये रेड ब्लू और येलो मेरे पास पहले से थे. ओके नाउ वट वी विल डू, वी विल स्प्रिंकल दीज कलर्स ऑन दिस पेपर शीट. अब ये देखिए रेड कलर. ओके लाइक दिस यू विल स्प्रिंकल लाइक दिस. अब ये देखिए पिंक कलर. ओके नाउ ब्लू कलर, ये मेरे पास पहले से था. नाउ येलो कलर, बहुत सुंदर लगेगा. नाउ ग्रीन कलर. ओके थोड़ा सा रेड कलर और डाल देते हैं. ओके इट वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल. देन अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे मैंने वाटर रखा हुआ है. हम यहाँ से हैंड से वाटर लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं. ओके बट टुडे इज अ रेनी डे, तो हम क्या करेंगे, हम रेन में ही ले जाएंगे इसे बाहर. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल कीप दिस ट्रे इन द रेन. ओके अब स्टूडेंट्स हम इसे जल्दी से उठा लेंगे. ओके नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग.
हमने बारिश में रखा था इसको, ओके, और उसके बाद हमने इसे वहां से जल्दी से उठा लिया और ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बन गई है, रेन पेंटिंग। ओके, यू विल डू प्रैक्टिस लाइक दिस, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही पेंटिंग बनाएंगे, ओके, एंड यू विल शो मी। टिल देन गुड बाय।